फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने हैं आपको। बॉडी सेल में कितने रहते हैं? 46। और सेक्स सेल में यस कितने? 23। चलो माइटोसिस में कौन सी सेल पार्ट लेती है? सोमैटिक। कौन सी? सोमैटिक। एंड मियोसिस में जर्म सेल्स। व्हाट? जर्म सेल्स। क्रोमोसोम अगर पेयर्स में है तो एन है या टू एन? टू एन। और अकेले अकेले है तो एन। चलो माइटोसिस के टू स्टेप बताओ। पहला कारियोकाइनेसिस। क्या बोलो? कारियोकाइनेसिस। वन व्हाट इज सेकंड? साइटोकाइनेसिस। यस व्हाट? साइटोकाइनेसिस। उसके बाद कारियोकाइनेसिस के फोर स्टेप्स है। फोर स्टेप्स बोलो। पहला प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, देन थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ बोलो टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये पूरा का पूरा कौन है? क्रोमोसोम। उसमें जो एक है इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। अब मैं कैरेक्टर बोलूँगा, वो इन चार स्टेप्स में कौन से फेज का ये बताना है। फॉर एग्जांपल डॉटर क्रोमोसोम्स बिकम लाइक बनाना। कौन सी फेज है ये? एनाफेज। कौन सी? एनाफेज। अब ये बताओ सेंट्रोमेयर स्प्लिट कहाँ होते हैं? कहाँ? एनाफेज। उसके बाद टू डॉटर न्यूक्ली फॉर्म होती है, टीलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर कहाँ होती है? मेटाफेज। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, टीलोफेज। कहाँ? टीलोफेज। स्पिंडल फाइबर्स उनमें से सेंट्रियोल फॉर्म होते हैं सेंट्रोमेयर से। कहाँ पे? मेटाफेज। कहाँ? मेटाफेज। नेक्स्ट वन स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर कहाँ पे होते हैं? टीलोफेज। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कहाँ होते हैं? एनाफेज। ऑल क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में कब आएंगे? मेटाफेज। डीकंडेंस मतलब क्रोमोसोम डीकंडेंस होके थ्रेड लाइक कहाँ बन जाते हैं? टीलोफेज। क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल कहाँ पे होते हैं? मेटाफेज। और टू न्यूक्लियोलस फॉर्म कहाँ हो जाते हैं? टीलोफेज। करेक्ट। चलो डायग्राम को देख के बताना है कौन से फेज का है ये। चलो सबसे पहले ये वाली कहाँ की है? प्रोफेज। कौन सी बोलो? प्रोफेज। चलो ये वाली टीलोफेज। कौन सी? टीलोफेज। दिस वन यस मेटाफेज। व्हाट? मेटाफेज। एंड दिस फाइनल वन एनाफेज। अब मियोसिस वन के अलग अलग फेजेस बताने हैं। ये दोनों मिला के कहाँ का है बोलो? यस प्रोफेज वन। क्या बोलो? प्रोफेज वन। ये वाला टीलोफेज वन। व्हाट? टीलोफेज वन। व्हाट इज दिस? साइटोकाइनेसिस। क्या? साइटोकाइनेसिस। एंड दिस वन मेटाफेज है क्या ये? नहीं। फिर एनाफेज वन। क्या बोलो? एनाफेज वन। राइट। और फाइनली ये कौन है बोलो? मेटाफेज वन। क्या? मेटाफेज वन। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होती है? प्रोफेज वन। एंड डुप्लीकेट क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल कहाँ पे फॉर्म होते हैं? प्रोफेज वन। चलो अभी आपको पेयर अप करना है इनको, ठीक से देख लो। मियोसिस टू, दिस इज अबाउट मियोसिस टू। मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आपको बोलना है कि वो कौन सी है। दिस वन यस एनाफेज टू, दिस वन प्रोफेज टू, दिस वन
टीलोफेज टू, कम ऑन, ये वाली मेटाफेज टू, इक्वेटोर पर है तो मेटाफेज ही होता है, राइट। एंड दिस वन इट इज साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस वर्सेस मियोसिस के मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको, बोलने हैं वो कहाँ के हैं, माइटोसिस है मियोसिस, नो क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस या माइटोसिस, माइटोसिस, फोर हेप्लॉइड फ्रॉम वन डिप्लॉइड, मियोसिस, टू डिप्लॉइड फ्रॉम वन डिप्लॉइड, माइटोसिस, टू राउंड्स ऑफ डिवीजन, मियोसिस। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, मियोसिस, नो सिनेप्सिस, माइटोसिस, और डायग्राम देख के बोलो, ये वाला माइटोसिस, एंड दिस वन इज लाइक मियोसिस, ठीक है। एंड फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको ही आप क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हो, तो वो कहाँ पे होता है, मियोसिस।